solve the inequality log of 4x minus 5 upon modulus of x minus 2 greater than or is equal to half. इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उस पर अगर हम लोग बात करें तो पहले क्या होना चाहिए कि हम लोग बेस का बात करते हैं, तो x स्क्वायर क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए. मीन्स x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू हमारा 1, मीन्स हमारा x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1. मीन्स हमारी की x की जीरो वैल्यू नहीं हो सकती है, प्लस माइनस 1 नहीं हो सकती है. अब इसमें अगर बात करें, इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा कि 4x minus 5 upon जिसका हमारा log लिया गया वो भी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए. मॉडुलस फंक्शन हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 4x minus 5 greater than 0 means x is greater than 5 by 4. x हमारा greater than 5 by 4 होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू हमारा किसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा, वो डिफाइंड नहीं होगा. तो पहला सिचुएशन अगर बात करें, तो पहला सिचुएशन अगर बेस क्या हो जाए हमारा, बेस हो जाए 0 से 1 के बीच में, बेस x स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 टू 1. अगर 0 से 1 के बीच में होगा, x हमारा 5 बाई 4 से बड़ा होना ही चाहिए था डिफाइंड होने के लिए, तो ये बेस तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है कि x ग्रेटर देन 5 बाई 4 के लिए ही ये पॉजिटिव नंबर होगा. तो क्या हुआ कि x अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन अगर 1 है, मींस बेस अगर हमारा क्या है x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा ऐसा होगा कि log of हमारा x स्क्वायर 4x minus 5 upon modulus of x minus 2. ये ऐसा अगर है तो modulus of x minus 2 greater than or equal to half है. half को हम लोग लिख सकते हैं कि half को लिखा जा सकता है log of लिखा जा सकता है x square की power 1 by 2, ऐसे समझा जा सकता है. ऐसे अगर समझा जाए तो हमारा उसका जो वैल्यू है कैसे कंपैरिजन किया जाएगा, अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है तो ये इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं होगी, तो ये बन जाएगा 4x minus 5 upon modulus of x minus 2 greater than or is equal to हमारा square root of x square, तो जो कि किसके बराबर होगा, मॉडुलस x के बराबर होगा. तो यहां से अगर बात करें तो ये आ गया हमारा 4x minus 5 greater than or is equal to modulus of x into modulus of x minus 2, ऐसा बन जाएगा. तो ऐसा अगर बन जाएगा तो इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसके टर्म्स में हमको सोचना होगा. तो वो क्या किया जा सकता है, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है हमको, तो यहां पर देख सकते हैं x हमारा क्या था, 5 by 4 से बड़ा था, मतलब मॉडुलस x हमारा क्या होगा, x से ही ओपन हो जाएगा. तो ये हमारा इक्वेशन आ गया 4x minus 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, greater than or is equal to हमारा x into modulus of x minus 2. अब क्या हुआ कि अगर x हमारा 2 से बड़ा हो जाए या फिर हमारा 5 by 4 से 2 के बीच में हो जाए, तो हमको इसको दो केस में ब्रेक कर सकते हैं, और फिर ये क्या होगा कि सिंपल हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा. तो ये क्या बनेगा, इफ x हमारा x इज ग्रेटर देन 2, अगर x ग्रेटर देन 2 होगा तो ये क्या बनेगा हमारा, पॉजिटिव से ही ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x minus 5 greater than or is equal to x into x minus 2 बन जाएगा. अब इसको कैसे किया जा सकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर minus 6x plus 5 बनेगा. मतलब क्या आ गया हमारा, ये आ जाएगा x into x minus 5 into x minus 1, ऐसा आ जाएगा. इसके फैक्टर्स हम लोग देख सकते हैं, ये x square minus 2x था तो इधर जाके minus 6x हो गया, plus 5 हो गया, तो इसके ये root आ गए. तो यहां से जो interval निकल कर आया वो हमारा क्या आ गया, x belongs to हमारा 1 to 5. अब 1 to 5 अगर आ गया है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं
कि 125 अगर आ गया तो हमारा x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। ग्रेटर देन 2 होगा तो फिर आंसर हमारा यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आंसर होगा हमारा, यहां से आंसर होगा x belongs to, हमारा जो acceptable value होगी वो क्या होगी, 225 हो जाएगी। 5 पे closed interval, 2 पे open interval। ऐसे ही अगर क्या किया जाए, अगर क्या है हमारा x हमारा 2 से छोटा है और 5/4 से बड़ा है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि if x is, x हमारा या x हमारा क्या है कि if x lies between 5/4 to 2, तो हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव से ओपन होगा, तो ये बन गया 4x-5 greater than or equal to x into, ये हमारा क्या होगा माइनस से ओपन होगा, तो माइनस x प्लस 2 ऐसा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर, इधर आएगा ये हमारा 2x कट जाएगा, तो x स्क्वायर आया, x स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये हमारा प्लस 2x था तो प्लस 2x ही बचा होगा, और ये माइनस 5, ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल से इसके रूट्स निकाले जा सकते हैं। रूट्स क्या आएंगे, रूट्स हमारे हो जाएंगे इसके अगर किए जाए तो हमारा हो जाएगा, इसके फैक्टर्स ही कर लें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस x प्लस 1 प्लस रूट 6 इनटू x प्लस 1 माइनस रूट 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा हो गया। अब अगर इसका बात किया जाए तो हमारा x क्या था, x हमारा नंबर था, x था हमारा 5/4 से 2 के बीच में था, तो ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी क्या ही होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, मींस x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन रूट 6 माइनस 1 मींस यहां से हमारा क्या निकल कर आया, यहां से आ गया x, x हमारा ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू रूट 6 माइनस 1। रूट 6 माइनस 1 अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये क्या होगा, ये हमारा रूट 6 का वैल्यू होगा 2 पॉइंट समथिंग, और माइनस 1 करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ होगा, और ये हमारा 2 से छोटा होना चाहिए था, तो यहां से इस इक्वेशन से हमारा आंसर क्या आएगा, x हमारा लाइज बिटवीन हमारा रूट 6 माइनस 1 से, रूट 6 माइनस 1 से 2 आ गया, और वहां से 225 आया था, तो फाइनल आंसर अगर लिखा जाए तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, x belongs to हमारा रूट 6 माइनस 1 टू 2 यूनियन 22 हमारा 5, ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी हमारा इनइक्वालिटी पे ही बेस्ड है, तो उस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोगों को देखना है। बेसिकली ये क्वेश्चन सब सॉल्व करते समय हमको क्या करना होता है कि कब ये डिफाइंड है चीजें, कब हमारी वैलिड है, कब तो वो सारी चीजें भी माइंड में हमको छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें माइंड में रखना होता है। तो अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग करें इनइक्वालिटी पे ही बेस्ड, तो वो हमारा क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करना है, log of 2 to the base x into log of हमारा 2 to the base 2x है into log of हमारा 4x to the base 2 है greater than 1 है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये सोचना होगा कि पहले तो ये इक्वेशन जो लिखी गई है उसको ऑब्जर्व करें, तो उसको ऑब्जर्व करके ये देख सकते हैं कि x हमारा क्या होना चाहिए, कि x हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर डोमेन का बात करें किसके लिए हमारा ये इक्वेशन वैलिड होगा, तो x हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, x हमारा क्या होना चाहिए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा बेस यहां पर क्या था 2x था, तो ये भी हमारा क्या नहीं होना चाहिए 2x हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्या होगा कि x ग्रेटर देन 0 अगर कर दिया तो 4x ऑटोमेटिक ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये हमारी सारी रेस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं, ये अगर रेस्ट्रिक्शन आ गई तो अब हमको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को सेम ही बेस बनाना होगा, सेम बेस बनाना होगा। तो हम लोग क्या बेस बना सकते हैं, बेस बना दिया जाए 2 बेस बना दें।
अगर टू बेस बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ टू टू द बेस टू अपॉन हमारा log ऑफ हमारा एक्स टू द बेस टू, ऐसा होगा इन टू। ये हमारा क्या बनेगा, log ऑफ टू टू द बेस टू अपॉन हमारा log ऑफ हमारा टू एक्स टू द बेस टू, ऐसा होगा। ये तो बेस है ही हमारा, तो log ऑफ हमारा टू ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिख दिया गया तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन कुछ आसान बन गया है। क्या आसान बन गया है, ये वन के बराबर, ये वन के बराबर, और log of 4x to the base 2 को क्या लिखा जा सकता है हमारा, log of 4 to the base 2 plus log of हमारा x to the base 2 upon, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा log of 2x, ऐसा into। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है हमारा, इसको लिखा जा सकता है 1 plus log of x टू द बेस टू, ऐसे लिखा जा सकता है। इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, टू के बराबर होगा। इसका वैल्यू अगर टू के बराबर है तो ये क्या बन गया, टू प्लस हमारा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू अपॉन, ये बन गया हमारा लॉग टू एक्स, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू इन टू हमारा क्या बन गया, वन प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू के बराबर, ऐसा बन गया है। ऐसा अगर बन गया तो फिर ये ग्रेटर देन वन होना चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पर फिर से क्या करें कि हमारा पुट log of x to the base 2 is equal to t कर दिया गया, तो ये सिंपल हमारी इक्वेशन बन गई, रेशनल रेशनल फंक्शन बन चुका है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो ये बन गया 2 प्लस टी अपॉन टी इन टू टी प्लस वन, ऐसा ग्रेटर देन वन। इसको सॉल्व करना है तो ये वन को इधर लेकर आ जाएं, तो वन को इधर लेकर आ जाएं, तो टू प्लस टी अपॉन टी इन टू वन प्लस टी, और क्या बन गया, माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब इसको अगर सिंपलीफाई किया जाए तो ये हमारा बन जाएगा टू प्लस टी माइनस टी इन टू वन प्लस टी अपॉन टी इन टू टी प्लस वन, ऐसा बन जाएगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसको सिंपलीफाई करें तो ये हमारा बनकर आ गया, ये आ जाएगा हमारा टू टू माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी इन टू टी प्लस वन, ऐसा बनेगा। ऐसा अगर बन गया है तो हमको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। इसको कैसे सॉल्व करें, ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो बोला गया है, तो हम लोग इसके देख सकते हैं, इसमें साइन स्कीम वेवी कर्व मेथड लगाया जा सकता है। तो ये वेवी कर्व मेथड कैसे लगाया जाएगा, क्या होगा, इसको हम लोग क्या करें, इसको यहाँ पर आगे लिख दिया जाए। तो यहाँ पर अगर लिखते हैं हम लोग, इसमें सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये ऐसा लिखा हुआ है कि टी स्क्वेयर माइनस टू अपॉन टी इन टू टी प्लस वन हमारा लेस देन जीरो। ये ग्रेटर देन जीरो था तो हमारा इसको इस तरफ लेकर चले गए तो ये हमारा ऐसा होगा। अब इसके रूट्स हमारे क्या क्या हैं, एक तो हमारा t इक्वल टू जीरो है, एक हमारा क्या है माइनस वन है, और एक हमारा क्या है रूट टू है, और एक हमारा क्या है माइनस रूट टू है। तो हम लोग देख सकते हैं ये ऐसे साइन स्कीम अगर बनाया जाए तो ये हमारा निगेटिव कब कब होगा, निगेटिव होगा माइनस रूट टू से माइनस वन के बीच में और जीरो से रूट टू के बीच में। तो हमारा t का जो वैल्यू आया, t बिलोंग्स टू आ गया हमारा, t बिलोंग्स टू आ गया माइनस रूट टू से माइनस वन के बीच में, ऐसा आया। तो माइनस रूट टू से इसके बीच में आया, यूनियन क्या आया हमारा, जीरो से रूट टू के बीच में आ गया। अब ये t हमारा क्या था, t था हमारा log of x to the base 2। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर t क्या है, माइनस रूट टू से माइनस वन के बीच में और जीरो से रूट टू के बीच में, तो तुरंत यहाँ से क्या होगा, x का रेंज निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया, बेस सेम बनाया गया और फिर हम लोगों ने साइन स्कीम लगा दिया, साइन स्कीम की हेल्प से इसका हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है कि log of 2
टू एक्स अपॉन फाइव टू द बेस टू, टू द बेस ये ऐसा लिखा गया ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो इसको हमको सॉल्व करना है, मीन्स एक्स का वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली हमको क्या करना होगा कि जहां जहां पर बेस है हमारा, बेस क्या है, बेस है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी अपॉन टेन, ये हमारा बेस है, तो ये क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए हमारा, ये हमारा वन से, वन के बराबर भी नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो अब इसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हमको बेस को तोड़ना होगा, बेस को कैसे ब्रेक करना होगा, हम लोग ये जानते हैं कि लॉग के ग्राफ्स के बारे में कि अगर बेस क्या हो गया लॉग का कि हमारा बेस वन से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ आता है, और हमारा अगर क्या हो गया कि बेस हमारा वन से छोटा हो गया तो इस तरीके का ये वैल्यू निकल कर इस तरीके का ये ग्राफ आता है। तो हमारा ये y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसके ग्राफ होते हैं। कैसे इन ग्राफ्स को हम लोग यूज करेंगे, ये जो भी ग्राफ है ये किसके लिए, ए जीरो से वन के लिए है, ये हमारा ग्राफ किसके लिए है, बेस हमारा ए ग्रेटर देन वन के लिए। तो इसमें हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लें, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, बेस हमारा क्या हो जाए, बेस ए अगर जीरो से वन के बीच में है तब कैसे सॉल्व किया जाएगा, और अगर हमारा बेस क्या हो गया, बेस हमारा ग्रेटर देन ऐसा हो गया वन हो गया तब क्या होगा। पहले हम लोग अगर बात करें कि अगर बेस हमारा ग्रेटर देन वन है तो फिर क्या हो रहा होगा, बेस अगर ग्रेटर देन वन है मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी अपॉन टेन, ये क्या होना चाहिए हमारा, वन से बड़ा होना चाहिए, और उसी के साथ में क्या होना चाहिए कि ये जिस बेस पे वैल्यू इसकी है तो वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो वो कब होता है हमारा, वो जब हमारा बेस अगर वन से बड़ा है तो ये वैल्यू पॉइंट होता है वन कॉमा जीरो, तो ये वैल्यू को क्या होना पड़ेगा हमारा, वन से बड़ा होना पड़ेगा, वन से बड़ा होना पड़ेगा। तो ये जो भी हमारी वैल्यू है इसको हम लोग क्या माने, कैपिटल एक्स माने, तो कैपिटल एक्स को वन से बड़ा होना पड़ेगा तभी ये ओवरऑल वैल्यू हमारी जीरो से बड़ी आई होगी। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन क्या वैलिड होने चाहिए कि लॉग ऑफ टू एक्स अपॉन फाइव टू द बेस हमारा टू, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये वन से बड़ा होना चाहिए। अगर ये वन से बड़ा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि टू एक्स अपॉन फाइव को क्या होना चाहिए, ये हमारा टू से बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स हमारा क्या आ गया, फाइव से बड़ा होना चाहिए, यहां से ये निकल कर आया। अब अगर इसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस हमारा क्या बनेगा, थर्टी ग्रेटर देन टेन, ऐसा अगर बन गया तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस हमारा क्या बन गया, ट्वेंटी ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ऐसा बन गया है तो इसके हमको क्या करना होगा, रूट्स निकालना होगा। तो अगर रूट्स निकाले जाएं तो वो रूट्स हमारे इसके क्या हो रहे हैं, ये ट्वेंटी है ये ट्वेल्व है, मीन्स एक्स माइनस टू इन टू एक्स माइनस टेन ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से एक्स का इंटरवल क्या निकल कर आया, वो आया माइनस इन्फिनिटी से टू, यूनियन हमारा क्या आया, टेन टू इन्फिनिटी आ गया। अगर ये आ गया बेटा तो हमको इसमें क्या करना है कि इसमें इन दोनों के इंटरसेक्शन लेना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस को एक साथ वैलिड होना चाहिए, तो वैलिड होना चाहिए। तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से हमारा आंसर आएगा x belongs to इन दोनों का कॉमन होना चाहिए, तो वो कॉमन क्या आ गया हमारा, 10 टू इनफिनिटी के बराबर आ जाएगा। और अगर दूसरा केस लिया जाए, अब इस केस को हैंडल करें कि बेस हमारा ये हो जाए, बेस हमारा है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तब हमारा इसको क्या होना पड़ेगा, इस वैल्यू को भी 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेस जब हमारा 0 से 1 के बीच में है तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऐसा ग्राफ है, और इसका पॉजिटिव वैल्यू कब हो रहा है कि जब हमारा ये जो भी इसको कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तब होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इन इक्वेशंस को एक साथ वैलिड होना चाहिए कि लॉग ऑफ 2x अपॉन 5 टू द बेस 2, ये भी हमारा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से डायरेक्टली बोला जा सकता है कि 2x अपॉन 5 lies between हमारा 1 to 2 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2x lies between हमारा क्या होगा 5 to 10, means x lies between हमारा 5 by 2 to 5 हो जाएगा।
तो ये यहां से ऐसा निकल कर आ गया। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए इस इक्वेशन को, तो ये हमारा कैसा होगा, इसको अगर हम लोग यहां से सॉल्व करें, तो यहां से अगर सॉल्व किया जाए पहला ये केस सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 ये लेस देन 1, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आसानी से सॉल्व करके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 लेस देन 0, मीन्स हमारा x माइनस 2 इनटू x माइनस क्या होगा 10 लेस देन 0, मीन्स x यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2 टू 10 आ चुका है। तो x हमारा क्या होना चाहिए, 2 से 10 के बीच में होना चाहिए और ये 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो अगर इस केस को हम लोग यहाँ पर देखें तो कि एक्स स्क्वायर माइनस यहां से अगर सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 ये हमारा ग्रेटर देन 0 करें, अगर ये ग्रेटर देन 0 किया जाए तो इसके रूट्स हम लोग तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये अगर ऐसा किया गया होगा तो उनको क्या आया होगा, यहां से 36 तो माइनस 6 ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा, तो ये ग्रेटर देन 0, मीन्स हमारा क्या हुआ, एक्स माइनस 6 प्लस रूट 6 इन टू ये क्या बन गया, एक्स माइनस 6 माइनस रूट 6 ग्रेटर देन 0। तो अब यहां से हमारा यहां से क्या आया था, 5 बाय 2 से 5 के बीच में, यहां से आया था हमारा 2 टू 10 के बीच में, तो बेसिकली इसका और इसका इंटरसेक्शन अगर लिया जाए तो वो कितना होगा हमारा, 5 बाय 2 से 5 होगा, और यहां से अगर जो इंटरवल निकल कर आया है वो हम लोग अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो वो रिप्रेजेंट क्या किया जा सकता है कि x हमारा क्या होगा, x बिलोंग्स टू होगा माइनस इनफिनिटी से, माइनस इनफिनिटी से होगा 6 माइनस रूट 6, यूनियन यूनियन क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस रूट 6 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, ये जो इंटरवल आया है हमारा निकल कर, ये इंटरवल निकल कर आया है और ये इंटरवल निकल कर आया है, इनको हमको क्या करना होगा, तीनों को हमको क्या लेना होगा, तीनों का हमको इंटरसेक्शन लेना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी है हमारा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 1 और बेस है हमारा एक्स प्लस 3। तो बेसिकली हमको इसको सॉल्व करना है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन करने का हमारा क्या मेथड होगा, कैसे हम लोग इसको अप्रोच करेंगे वो हम लोगों को सीखना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से हमारा क्या होगा कि बेस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, वो अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तब क्या होगा, अगर हमारा क्या हो जाए एक्स प्लस 3 हमारा 1 से बड़ा हो जाए, मीन्स बेस हमारा क्या लिया गया है, बेस ग्रेटर देन 1 लिया गया, और ये हमारा क्या है, बेस हमारा 0 से 1 के बीच में लिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बेस अगर हमारा क्या है कि 1 से बड़ा लिया जाए, पहले इस केस को हम लोग देखें, केस टू अगर लिया जाए तो हमारा क्या होगा कि बेस अगर 1 से बड़ा है, मीन्स एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा माइनस 2 से बड़ा है, तब क्या हो रहा होगा। अब इसके लिए हमको पहले ये डिफाइंड कब होंगी चीजें उसके टर्म्स में सोचना होगा, तो ये डिफाइंड ही कब होगा कि लॉग जिसका लिया गया है वो क्या होना चाहिए हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को क्या होना पड़ेगा, इसको हमारा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करें कि एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 अगर हमारा क्या किया जाए, वेवी कर्व मेथड लगाया जाए या फिर साइन स्कीम लगाया जाए, क्या किया गया, वेवी कर्व मेथड अगर लगाया गया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हुआ ये 1 हुआ तो ये हमारा ऐसे ऐसे करके ऐसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव, तो इंटरवल हमारा क्या निकल कर आया है यहाँ पर, जब चीजें डिफाइंड होंगी उसके लिए इंटरवल निकल कर आया हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 0 यूनियन हमारा 1 टू इनफिनिटी। तो ये हमारा, ये तो हमारा ऐसा होगा कि आंसर हमारा इसी में आ सकता है। अब हमारा x अगर माइनस 2 से बड़ा है तो हमारा इसका और इसका क्या करना होगा, यूनियन वगैरह बाद में लेना होगा। अगर बेस 1 से बड़ा हो गया तो और ये 1 से छोटा है तो फिर हम लोग अगर ग्राफ बनाएं कि अगर बेस हमारा क्या है, ऐसा है,
बेस हमारा अगर क्या है कि बेस वन से बड़ा है तो ग्राफ हमारा इस तरीके से आता है, इंक्रीजिंग आता है। ये हाइट हमारी वन है तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या ही होना पड़ेगा, इसका वैल्यू होना पड़ेगा हमारा वन को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखा जाए कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन वन बोला जा रहा था, वन को लिख दिया जाए x+3 x+3 ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर लिख दिया गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा सिंपल सा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन एक्स प्लस थ्री के बराबर। इसके अगर रूट्स निकाले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो आ गया। तो इसका ये हमारे रूट्स अगर फैक्टर्स कर लें तो वो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन हमारा लेस देन जीरो, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्या निकल कर आया माइनस वन से थ्री आया। अब ये एक्स माइनस वन से थ्री है, एक्स हमारा माइनस टू से बड़ा होना चाहिए था और ऐसा भी होना चाहिए था डिफाइंड होने के लिए। तो इन तीनों का हमको क्या लेना होगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इंटरसेक्शन में हमारी यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से जो हमारा कंप्लीट सेट आएगा इस केस में बेस हमारा वन से बड़े के लिए, तो वो कंप्लीट सेट होगा हमारा, कंप्लीट सेट होगा एक्स बिलोंग्स टू हमारा होगा माइनस वन से जीरो यूनियन हमारा क्या होगा 1 2 3 वन से लगाकर थ्री तक। ये वैल्यू हमारी यहां से इस सिचुएशन से निकल कर आएगी इस केस से। अब इस केस को अगर हैंडल किया जाए, इस केस को अगर हैंडल किया जाएगा मीन्स बेस हमारा जीरो से वन के बीच में हुआ, तो फिर हम लोग कैसे क्या करेंगे वो हमको सोचना होगा। अब इस वन को क्या भी लिखा जा सकता है आगे ये पर देख सकते। अब ये अगर ऐसा होगा तो x का हमारा यहाँ से रेंज क्या निकल कर आया वो माइनस थ्री, अगर इधर उधर कर दिया जाए तो माइनस थ्री से माइनस टू के बीच में x को होना पड़ेगा। और अगर ये हमारा क्या है कि ये लेस देन वन है, बेस हमारा जीरो से वन के बीच में है, तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो हम लोगों को इसको सोचना होगा, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस थ्री ये लेस देन वन को क्या लिखा जा सकता है लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री टू द बेस एक्स प्लस थ्री ऐसा। तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में क्या होगा इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन एक्स प्लस थ्री होना चाहिए। तो यहाँ से अगर क्या करें कि इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जाए तो ये हमारा ग्रेटर देन ऐसा आ गया, इसके रूट्स जो होंगे फिर से हमारे क्या ही आ गए माइनस एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से एक्स का इंटरवल क्या निकल कर आया वो आया माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन थ्री टू इनफिनिटी। अगर ये ऐसा आ गया है तो इन दोनों का हमको क्या लेना होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, जो कि क्या निकल कर आता है हमारा वो आ रहा है यहाँ से क्या वैल्यू आएंगी माइनस थ्री से माइनस टू होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस थ्री से माइनस टू पूरा का पूरा इंटरवल आ रहा है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आया वो आ रहा है x belongs to माइनस थ्री टू माइनस टू, मीन्स हमारा इसका कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का x belongs to माइनस थ्री टू माइनस टू यूनियन, यूनियन क्या होगा हमारा माइनस वन टू जीरो, यूनियन क्या होगा वन टू थ्री हो जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बेटा किया जा सकता है। आप लोग क्या करें कि ये कैसे किया जा रहा है वो मेथड पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं और फिर अपने आप ट्राई करें कि कैसे हम लोगों ने ग्राफ वगैरह को यूज किया है, कैसे हम लोगों ने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें हमारा बेसिक चीजों को कैसे हमारा कब डिफाइंड है वो सारी चीजें माइंड में रख के हमको करना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है और ये है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ वन बाई टू ऐसा
प्लस हमारा है 4 टाइम्स लॉग ऑफ रूट एक्स टू द बेस 2, ये हमारा क्या है लेस देन 4 माइनस लॉग ऑफ हमारा एक्स की पावर 4 टू द बेस 16, ये हमारा ऐसा इक्वेशन है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उस पे हम लोग बात करते हैं, कैसे हम लोग सोचेंगे। इसका आंसर है हमारा -0 to 1/4, 1/4 पे क्लोज इंटरवल है, यूनियन 1 to 4, ये हमारा इसका आंसर है, 1 पे भी क्लोज्ड है। कैसे इस क्वेश्चन को सोचा जाएगा, पहले तो हमको क्या करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, सब सारे जो भी लॉगरिथमिक टर्म्स है उनका बेस क्या करना होगा, हमारा सेम करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेस क्या बनाया जा सकता है, 2 बनाया जा सकता है। यहाँ पर 2 है, 1/2 को भी बिल्कुल हमारा 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 16 बेस है वहां पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर क्या किया जा सकता है बेटा, यहाँ पर हमारा 2 बेस कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4 माइनस हमारा लॉग ऑफ 1/4 और x की पावर 4 और ये हमारा बेस में 2, ऐसे लिखा जा सकता है, ये 4 इधर आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक्चुअल में मॉड x आया होगा लेकिन हमारा लॉग के अंदर ये x है तो x को क्या भी होना पड़ेगा, जो भी हमारा पहला रेस्ट्रिक्शन आएगा तो वो x हमारा क्या होगा, कंडीशंस कौन कौन सी वैलिड होनी पड़ेगी, तो x 0 से बड़ा होगा ही होगा, तो ये हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 4 माइनस लॉग ऑफ x टू द बेस 2 ऐसा। और ये अगर इनको चेंज किया जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या आ गया, ये यहाँ पर 1/2 है तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको हमारा माइनस यहाँ पर ले जा सकते हैं, तो ये हमारा 2 की पावर -1 लिखे, -1 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या बनेगा 1/2 इधर ले जा सकते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ x टू द बेस 2। ये क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके इस फॉर्म में ला सकते हैं, इस फॉर्म में अगर लाया जाए तो फिर ये हमारा क्या बन गया, अब यहाँ पर log 2x को log of x to the base 2 को t माना जाए, अगर ये t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कैसे सोचा जाएगा उस पे हम लोगों को बात करना होगा। तो ये हमारा क्या बन गया ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t लेस देन 4 माइनस टी। अब ये बेसिक हमारा सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, देखो ये वैल्यू तो हमारी क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमारा ये वैल्यू को भी हमारा डिफाइंड होने के लिए, इसके कोई सॉल्यूशन आने के लिए 4 माइनस टी को क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा लॉग के अंदर जो नंबर है वो है हमारा टी स्क्वायर, इस टर्म को हम लोग पहले डील करते हैं, तो ये हमारा टी स्क्वायर प्लस 2t क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया, t इनटू t प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, t बिलोंग्स टू हमारा क्या हो गया, ये हो गया माइनस इनफिनिटी टू हमारा माइनस टू यूनियन क्या हो जाएगा हमारा, यूनियन होगा 0 टू इनफिनिटी ऐसा आ गया है। अब ये अगर ऐसा आ गया है तो हम लोगों को ये सोचना होगा, t हम लोगों ने log 2x को माना था तो log 2x हमारा log 2x को क्या होना चाहिए, पहला सिचुएशन लिया जाए log of x to the base 2, ये हमारा क्या होना चाहिए less than or equal to minus 2 ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना आया हमारा, ये आ गया x less than हमारा 1/2 square, मतलब क्या होगा कि 1/2 square means 1/4, तो x हमारा 1/4 से छोटा होना चाहिए, 1/4 से छोटा होगा तभी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। अब ये हमारा यहाँ से अगर सॉल्यूशन का बात करें तो log of क्या लिखा हुआ है, और ये log के अंदर नंबर है तो ये हमारा 0 से बड़ा तो होगा ही होगा। अब यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो ये हमारा log of x to the base 2, ये हमारा क्या बोला गया है, greater than or equal to 0, यहाँ से x अगर निकाला जाए तो वो x क्या निकल कर आएगा, 1 से बड़ा नंबर आएगा। यहाँ से हमारा ये क्या हुआ कि ये डिफाइंड ही होने के लिए रूट के अंदर नंबर x हमारा greater than or equal to 1 होना चाहिए, एंड ये अगर हो जाए x हमारा 0 से 1/4 के बीच में तब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा।
अब यहां पर इसको अगर इस इक्वेशन को वैलिड होना है तो हमारा क्या होना चाहिए, 4 माइनस टी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब हुआ 4 टी लेस देन 4 और टी हमारा था log ऑफ x टू द बेस 2, ये हमारा क्या होगा 4, मींस x हमारा क्या आ गया लेस देन हमारा आ गया, ये 4 को लिखा जा सकता है log ऑफ हमारा 16 टू द बेस 2, मींस हमारा 16 से छोटा आ गया। मींस हमारा अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना है बेटा तो फिर क्या होना पड़ेगा, x लेस देन 16 होना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर x हमारा क्या है लेस देन 16 है, मींस ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसको स्क्वायर करके हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो ऑन स्क्वायरिंग हमारा ये क्या बनेगा उस पे हम लोग अगर बात करें, ऑन स्क्वायरिंग इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो स्क्वायरिंग करने पर कोई चिंता का बात नहीं है। तो ऑन स्क्वायरिंग क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t लेस देन 16 प्लस टी स्क्वायर माइनस 8t बन गया। तो अगर इसको यहां से कैंसिल कर दिया जाए तो ये हमारा क्या आ गया 10t और ये हमारा लेस देन ऐसा, मींस टी हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा यहां से स्क्वायरिंग किया तो माइनस 8t बिल्कुल सही है, मींस हमारा टी ये आ गया हमारा 8 अपॉन 5 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। और t हमारा किसके बराबर था, t हमारा था t इक्वल टू log of x टू द बेस 2, ये हमारा लेस देन 8/5 ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होने का मतलब क्या हुआ कि x हमारा क्या रहेगा, x हमारा यहां से आ जाएगा, x हमारा लेस देन 2 की पावर 8/5 ऐसा कुछ होगा, ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारा जो भी नंबर है तो ये नंबर हमारा क्या है ये हम लोगों को सोचना होगा। अब इसके हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये कैलकुलेशन हम लोगों ने सही किया है कि नहीं। ये हमारा 4 माइनस टी बन गया, 4 माइनस टी मतलब ऐसा हो गया, ये हमारा टी लेस देन 4 होना चाहिए, मीन्स एक्स लेस देन हमारा क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है। ये हमारा क्या है कि हमारा टी स्क्वायर प्लस 2t है, इसको हम लोगों ने अगर स्क्वायर किया तो ये हमारा आएगा 16t स्क्वायर, ऐसा ये बिल्कुल सही हुआ है। अब यहां पर हमको क्या करना होगा कि देखो x हमारा क्या होना चाहिए था 0 से बड़ा होना चाहिए था, और यहां पर अगर देखें तो एक तो ये हो गया हमारा कि ये हमारा डिफाइंड ही कब था ऐसा हो गया। अब इससे हमारा आंसर कैसे लिखा जाएगा, क्या करेंगे हम लोग उसके टर्म्स में हम लोगों को सोचना होगा। तो यहां पर ऐसे अगर सोचें कि ये डिफाइंड हो गया तो डिफाइंड होने के लिए ही ये हमारा क्या है x से निकल कर आ रहा है 0 टू 1/4 आ रहा है और 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये अगर ऐसा निकल कर आ रहा है तो हमारा यहां पर देखें x क्या था 16 से छोटा और इस नंबर से भी छोटा निकल कर आ रहा था। तो अब यहां पर ये नंबर हमारा क्या है, इस नंबर के बारे में हमको सोचना होगा। तो ये नंबर हमारा क्या होगा इसके बारे में अगर सोचा जाए तो ये 2 की पावर 8/5 है। तो यहां पर देखो अगर इनका सबका हमको क्या लेना है, इनका सबका हमको इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि सारी कंडीशंस हमारी क्या होनी चाहिए वैलिड होनी चाहिए। तो यहां से अगर x 0 से 1/4 लिया जाए और यहां से हमारा ये हमारा 0 से 1/4 इसमें इंटरवल आएगा ही आएगा उसमें भी आएगा। तो एक हमारा आंसर लिखा जाए तो 0 से 1/4 तो आ गया। अब 1 से 4 तक का अगर बात हो रहा है तो ये हमारा यहां पर देखें तो यहां पर हम लोग देखें तो बिल्कुल ये हमारा 8/5 ऐसा हो गया। तो ये x हमारा क्या आएगा 2 की पावर 8/5 ही है। अगर ऐसा करें तो ये नंबर हमारा क्या है कि ये हमारा ऐसा आ रहा है x लेस देन 2 की पावर 8/5 आ रहा है और ये 1 से बड़ा है। तो ये हमारा 1 से लगाकर क्या होगा कि 2 की पावर 8/5 तक होगा, ना कि यहां तक होगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये आंसर में क्या होगा 1 से लगाकर 2 की पावर 8/5 ये यहां तक ही नंबर गया होगा, यहां तक ही हो सकता है, 4 तक नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 4 के लिए अगर हम लोग चेक करें कि x is equal to 4 तो हम लोग देखते हैं कि हमारा ये वैलिड होगा कि नहीं। तो 4 पे अगर देखा जाए तो 4 अगर रख दिया गया तो ये कितना नंबर आएगा हमारा, ये आएगा 4 माइनस 2 ऐसा आ गया, मतलब 2 के बराबर। और इसमें अगर रख दिया गया 4 रख दिया गया तो ये कितना रहेगा हमारा, ये हमारा 4 रखने पर आएगा 4, ये 4 आएगा
और ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारा ये तो बड़ा हो गया, ये बड़ा वैल्यू हो जाएगा। बेसिकली हमारा आंसर जो रहेगा ये हो जाएगा, इन सबका क्या किया गया है, फिर से एक बार समराइज करें इस प्रॉब्लम को। तो ये क्या है हमारा कि इसमें हम लोगों ने सेम बेस बनाया, फिर सेम बेस बनाने के लिए रूट के अंदर जो नंबर था वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए इंटरवल क्या ही सिर्फ निकल कर आए, ये और ये निकल कर आया। अब ये अगर ये इंटरवल है तो हमारा क्या किया गया कि इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए हमारा सॉल्व ही कब हो सकता है, जब ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट से नंबर तो पॉजिटिव आता है। तो फिर ये क्या हुआ, हमारा एक्स यहां से लेस देन 16 होना चाहिए था। एक्स लेस देन 16 हुआ तो इसका स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग हमारा सही किया गया है। तो ये हमारा टी स्क्वायर कट गया, ये इधर आया तो 10t हुआ, ये ऐसा हो गया तो 8/5 आया। मीन्स हमारा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 लेस देन 8/5 भी होना चाहिए इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए। तो एक्स हमारा यहाँ से लेस देन क्या आ गया, ये आ गया। तो इनका सबका इंटरसेक्शन लेना था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा बेटा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, एक बार सब लोगों ने इसको फिर से अपना ट्राई करें और फिर इसको सोचें कि कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हम लोग अब इसमें एक अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व सॉल्व द इनइक्वेलिटी, सॉल्व द इनइक्वेलिटी लॉग ऑफ ए 1 - 8 इंटू ए की पावर -x है। लॉग ऑफ 1 - 8 इंटू ए की पावर -x, ये हमारा टू द बेस ए ग्रेटर देन 2 इंटू 1 - x, इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा वो हम लोगों को देखना है। तो पहले तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि लॉग जिसका लिया गया है वो क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारी जो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं पहले हम लोग लिख दें। ए हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और हमारा क्या होना चाहिए 1 - 8 इंटू ए की पावर -x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये आ गया 1 - 8 / a की पावर x, हमारा ये हमारा ग्रेटर देन 0, मीन्स हमारा ए की पावर एक्स क्या आ गया ग्रेटर देन 8, ऐसा होना चाहिए। ये हमारा क्या है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन और ये कंडीशन तो क्या है हमारा इस क्वेश्चन को वैलिड होने के लिए, डिफाइंड होने के लिए हमारा ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग तुरंत इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर में 2 * 1 - x ऐसे लिखा जा सकता है, और ये बन गया लॉग ऑफ हमारा 1 - 8 / a की पावर x, हमारा ऐसा बन गया। अब इसको हमको क्या करना होगा, बेस हमारा क्या है उसके बेसिस पे लेना होगा। तो अगर बेस हमारा क्या हो गया ए, बेस ए हमारा 0 से 1 के बीच में है, तब कैसे सॉल्व करेंगे, और बेस हमारा ए क्या है 1 से बड़ा है, तब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहला सिचुएशन अगर लें कि बेस हमारा क्या है कि 1 से बड़ा है, तो फिर इसको कैसे सोचा जाएगा कि ये और इसमें क्या रिलेशन होगा, 1 - 8 / a की पावर x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ए की पावर 2 * 2, ये हमारा क्या है 1 - x है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर 2x लिखा जा सकता है। तो इसमें बेटा हम लोग क्या करें कि पुट ए की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, अगर ये ऐसा रख दिया गया तो फिर ये क्या बन जाएगा, 1 - 8 / t ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन हमारा क्या बन गया टी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, सिंप्लीफाई किया जाए टी हमारा क्या किसको माना गया, ए की पावर एक्स को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा टी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, हम लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ए क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आ जाएगा t - 8 / t ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये एक टी कट जाएगा, तो एक टी इधर आ गया, तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी,
टी स्क्वायर माइनस ए टी माइनस ए स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो, इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, तो टी माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसके अगर रूट्स हमारे किए जाएं तो इसके रूट्स क्या किए जा सकते हैं, ये हमारा टी माइनस फोर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 16 इनटू हमारा क्या होगा टी माइनस फोर प्लस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा ए स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब ये अगर ऐसा हो गया है तो फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहां से टी की रेंज निकल कर आएगी, वो टी की क्या रेंज निकल कर आती है उसके टर्म्स में हम लोगों को सोचना होगा। तो यहां से टी आ गया, टी बिलोंग्स टू हमारा माइनस इनफिनिटी से, माइनस इनफिनिटी से 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 16 ऐसा यूनियन हमारा क्या आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा ए स्क्वायर प्लस 16 से इनफिनिटी तक ऐसा आ गया है। अब हमारा क्या था कि ए 1 से बड़ा नंबर था, यहां पर देखा जाए टी हमारा क्या था ए की पावर एक्स था, तो ये इंटरवल तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा निगेटिव नंबर बन गया, तो ये इंटरवल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहां से कौन सा इंटरवल एक्सेप्टेबल होगा, ये इंटरवल एक्सेप्टेबल होगा। तो ये इंटरवल हमारा अगर देखा जाए तो टी हमारा क्या था, टी ग्रेटर देन, इस इंटरवल को हम लोग यहां पर अगर लिखे तो ये आ गया टी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 4 प्लस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा ए स्क्वायर प्लस 16। ये अगर ऐसा हो गया, टी हम लोगों ने किसको माना था, ए की पावर एक्स को माना था, बेस हमारा क्या है 1 से बड़ा है, लॉग ले लिया जाए तो ये हमारा आ गया लॉग लेने पर लॉग ऑफ ए की पावर एक्स टू द बेस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग, हमारा ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी अगर बेस हमारा क्या है 1 से बड़ा है तो ये क्या बन गया 4 प्लस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 16। तो ये हमारा क्या आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग ऑफ हमारा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा ए स्क्वायर प्लस 16 हो गया। अब ये अगर हमारा ऐसा हो गया और ये हमारा a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और ये अगर ऐसा है यहां पर तो देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया 4 प्लस 4 से बड़ा नंबर, मींस लॉग ऑफ 8 से बड़ा नंबर है टू द बेस ए। यहां पर क्या था हमारा, इसको अगर लिखा जाए तो इसको लिखा जाए अगर a 1 से बड़ा है तो इसको लिखा जा सकता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग ऑफ 8 टू द बेस ए, ऐसा भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो यहां से हम हमारा ये डिफाइंड होने के लिए वैलिड होना चाहिए था और ये हमारा इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए, तो यहां से और यहां से इंटरसेक्शन हमको लेना होगा, तो वो इंटरसेक्शन क्या निकल कर आएगा x बिलोंग्स टू हमारा x इससे बड़ा होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इससे बड़ा नंबर ये है। तो आंसर का हमारा एक पार्ट आ चुका है, तो आंसर का हमारा क्या एक पार्ट होगा, हमारा होगा लॉग ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा ए स्क्वायर प्लस 16 टू द बेस ए से लगाकर इनफिनिटी। ये हमारा क्या होगा एक आंसर हो जाएगा। अब यहां पर क्या था, यहां पर ये इक्वल भी है तो क्लोज्ड इंटरवल होगा। अब दूसरा आंसर हमारा कहां से आएगा, दूसरा आंसर यहां से आएगा, वो क्या होगा उसके टर्म्स में हम लोगों को सोचना होगा। अगर ये ऐसा किया गया है तो यहाँ पर इस इक्वेशन को कैसे हैंडल करेंगे, तो ये आ जाएगा अगर बेस हमारा 1 से छोटा है तो फिर हमारा इसमें और इस नंबर में दोनों में क्या रिलेशन होगा कि हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा इसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है कि हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इस वजह से हमारा क्या होगा कि 1 - 8 / a^2 ये क्या होगा लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर 2x होगा। तो अगर इसमें ए की पावर x को फिर से क्या रख दिया जाए, टी पुट कर दिया जाए, पुट ए की पावर x इज इक्वल टू टी, तो ये बन गया 1 - 8 / t लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा बनेगा। और इसी इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये बेसिकली क्या होगी, ये होगी हमारी टी स्क्वायर, यही सेम इक्वेशन ही है, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जीरो आएगा, यहाँ पर लेस देन जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम लोग अगर बात करें तो इसके रूट्स अगर लिखें तो टी माइनस फोर माइनस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर
प्लस 16 और ये इनटू क्या होगा t माइनस 4 प्लस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या होगा a स्क्वायर प्लस 16, ये क्या होगा हमारा ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो t का इंटरवल आ गया यहां से हमारा t बिलोंग्स टू हमारा माइनस, ये हमारा आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा a स्क्वायर प्लस 16 से लगाकर कहां तक हमारा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा a स्क्वायर प्लस 16 ऐसा आ चुका है। ये इंटरवल अगर ऐसा आया तो फिर क्या हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि क्या ही होना चाहिए यहां पर ये वैल्यू जो भी यहां से निकल कर आई है, t हम लोगों ने किसको माना था a की पावर x को माना था, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का ऐसा आ गया कि a की पावर x लाइज बिटवीन, इसको अगर सॉल्व किया जाए वो हमारा कहां से कहां के बीच में है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 16 और ये हमारा क्या है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा a स्क्वायर प्लस 16 ऐसा है। अब इसमें हमारा a क्या था 0 से 1 के बीच में था, ये तो हमारा क्या है नेगेटिव नंबर ही है, हमारा ये नेगेटिव नंबर है तो हमारा ये तो इनइक्वालिटी हमेशा वैलिड होगी, इसको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग ले लें तो ये क्या होगा, अगर a 0 से 1 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, वो हमारा क्या होगा कि log ऑफ x ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा log ऑफ a की पावर x टू द बेस a, हमारा ये क्या हो जाएगा अगर log लिया जाए इनमें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा log ऑफ a हमारा ऐसा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 16 ऐसा बन गया। तो ये हमारा आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू log ऑफ a और ये हमारा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा a स्क्वायर प्लस 16 ऐसा आया है। अब ये x हमारा इससे बड़ा नंबर होना चाहिए था और यहाँ पर क्या था हमारा ये ऐसा था, लेकिन अगर क्या हुआ ये तो मिनिमम कंडीशन थी, हमारी मिनिमम कंडीशन थी, तो अब ऐसे सोचा जा सकता है कि यहाँ से ऐसा अगर आ गया है और हमारा a की पावर x क्या भी होना चाहिए था 8 से हमारा क्या होना चाहिए 8 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन a क्या है हमारा वो 0 से 1 के बीच में है, तो हमारा ये भी हमारा कंडीशन वैलिड होना चाहिए था कि a की पावर x ग्रेटर देन 8, तो हम लोगों का अगर a 0 से 1 के बीच में है तो log लिया जाएगा तो x हमारा क्या आएगा less than हमारा क्या आएगा हमारा log of 8 टू द बेस a ऐसा यहां से आएगा। तो इस नंबर में और इस नंबर में हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, यहां से आया हमारा x ग्रेटर देन ये और यहां से हमारा क्या आया x लेस देन ये, तो हमारा इन दोनों का हमको क्या लेना होगा, इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना होगा जो कि क्या हो जाएगा हमारा वो आएगा log ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 16 टू द बेस a से लगाकर कहां तक होगा हमारा 3 टाइम्स log ऑफ हमारा 2 टू द बेस a, ये हमारा किसके लिए वैलिड हो जाएगा, ये हमारा वैलिड रहेगा जब हमारा a क्या है a 0 से 1 के बीच में, ये कब वैलिड होगा ये हमारा जब होगा a हमारा क्या होगा 1 से बड़ा होगा। तो इसको कंप्लीटली अगर बात करें तो ये हमारा आंसर कब है, ये आंसर है हमारा जब a क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये आंसर हमारा कब है कि जब हमारा बेस क्या होना चाहिए बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तब हमारा ये आंसर आएगा, और बेस अगर a हमारा 1 से बड़ा है तो ये आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। थैंक यू।